refrigerated pie. Dumb ways to die. Get a little controversy, cause it feels so empty without me. तो व्हाट्सअप गाइस, तो जैसा कि तुमने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं मंडी आया था, तो फिलहाल अभी मैं रूम से निकला हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बाइक में मॉडिफिकेशन करा लूँ हल्की फुल्की सी। और पिछली वीडियो में हुआ ये था कि जो मेरे माइक पर नॉइस कैंसिलेशन के लिए लगता था वो फिर से गुम हो गया, दैट्स अनदर पेन। तो भी मैं जा रहा हूँ पुलग्राह तक। मेरा प्लान तो था वैसे मैं मेन रोड से होकर जाऊँ, तो मेन रोड पर ट्रैफिक बहुत है और उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बिल्कुल मेरी जुल्फ है मेरे को परेशान कर रही है, तब से आँख में मेरे बाल आँख में उंगली कर रहे हैं। हाउ डज दिस इवन पॉसिबल। अब मेरे को इन गलियों से होकर जाना पड़ेगा। फर्स्ट आई नीड टू सेट माई जुल्फ है, ये कर दी मैंने जुल्फ सेट। एक बार मैं जरा रिकॉर्डिंग चेक करूँ, रिकॉर्डिंग इज ऑल गुड। नाउ इट्स टाइम टू मूव। तो मेरा प्लान बेसिकली थोड़ी सी स्टिकरिंग कराना है बाइक पे, जिससे मेरी बाइक की लुक और इन्हेंस हो जाएगी। वो तो मेरे को स्टिकरिंग करा के ही पता लगेगा कि लुक इन्हेंस होती है या नहीं। और मेरी बाइक में पहले हैंड गार्ड्स भी थे जो कि मेरे यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही टूट गए। थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल लो है, पता नहीं एनर्जी थोड़ी कम लग रही है मेरे को, मैं बोल नहीं पा रहा अच्छे से। आई डोंट वॉन्ट टू डू पैनिक ब्रेकिंग बट आई एम नॉट द किंग ऑफ किंग। चलो बच्ची थी कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। मान लो मैं होता मेरे को कितना बुरा लगता कोई मेरे को डांटता, पर ये चलो चलो छोड़ो परे कोई बात नहीं। वो डैम हैरियर, हम पहुंचने वाले हैं अपनी शॉप के करीब। वेर 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 ये दैट्स इट। तो गाइस मेरी मॉडिफिकेशन घंटा डन। मैं सोचा अंकल एज है, इनको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा यू नो। अगर आप बाइक में रैपिंग वगैरह कराना चाहते हो तो किसी यंग बंदे को देखो तो यू नो तुम्हारी दिल की भावना समझ पाए, ना कि किसी ओल्ड एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास जाने की ट्राई करो। को लगा मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा, 4:30 तो अंकल ने मेरे को यहीं कर दिए। ऊपर से 100 रुपये वर्थ थे मेरे, देखो ड्रॉ भी मेरे को करना पड़ा, मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ। ड्रॉ मैंने कर दिया था अपने हिसाब से, फिर अंकल भी लाइक लाइट नहीं आएगी। अगर मैं अंकल को बोलता अंकल रहने दो लाइट का कोई सीन नहीं है तो अंकल अंधेरा ही कर देता फिर, मतलब थोड़ा यू नो। तो एक आगे भी शॉप है, वहाँ पे एक बंदा था, वहाँ पे मैंने पहले उससे रैपिंग वगैरह कराई थी थोड़ी बहुत, तो मैं फिर से उसके पास जाता हूँ, देखता हूँ वो वहाँ पर क्या होगा। स्टिकर लगाना इज़ डिफरेंट थिंग एंड रैपिंग इज़ अलग थिंग। मैं उस टाइम ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को फ़ोन से चेक करना था। अंकल भी लाइक खुद के दिमाग से करो, मतलब अंकल का पॉइंट ये था कि फ़ोन में क्या देखना है यही बता, तो मेरे को क्या क्या करना। मैं फ़ोन में देख के थोड़ी जजमेंट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को क्या लगेगा ऐसे बता। तो मेरे को फिर से गुट करके दर्शन करने पड़ेंगे। चाचा ने रैप लटका के रखा हुआ है इधर, अब मैं इसको करके फेंक तो सकता नहीं, अपने साथ ही कैरी करता हूँ। अब आस पास के बंदे देख रहे होंगे मेरी एनएस के टेढ़ा मुँह। दिस रोड इज़ सो मच बिजी रोड। लोग तो भाई दिखता ही नहीं है इनको ट्रैफिक है, भाई ट्रैफिक है तो पीछे रुको यार, कहाँ कुछ रहे आगे। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आज बंदा नहीं है, बंदा भी कल होगा। तो मेरे को लगता है अपना मेरे को कल टाइम खोड़ी करके फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे। ओह बॉय सो मच ट्रैफिक, सो मच। मेरे को बस मेरी साइड पास होना है, मेरे को बस उतना ही चाहिए। टुडेज डे टोटली वेस्ट। चलो वीडियो निकलेगी ये हुआ और पैसे बर्बाद हो गए वो अलग हुआ, चलो कोई बात नहीं होता रहता है। मैंने तुम्हें शायद अभी तक लुकिंग दिखाई है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अभी
मेरे को लगा कोई गाड़ी नहीं आगे। मैंने स्पीड कम करी और अंकल की स्पीड मेरी स्पीड से मैच हो गई। वो बड़ा साइंस और मैं ठूकते ठूकते बच गया।